आज हम देखेंगे ट्रेंड लाइन पे कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। कैंडलस्टिक का यूज करके आप नेक्स्ट कैंडलस्टिक को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, आज इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज आप देखो, हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ओके, ट्रेंड लाइन मैंने ये ग्रीन से ये ग्रीन कैंडल ली है क्योंकि ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो बायर्स की होती है वो ग्रीन टू ग्रीन होती है। नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे आपको दूसरी चीज देखनी है पैटर्न। वो यहाँ पे देखो, रेड यहाँ पे रेड ग्रीन के बाद रेड आया, मतलब नहीं काम किया। लेकिन यहाँ पे देखो, रेड ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे भी फेल, वापस रेड ग्रीन ग्रीन। अब ये जो पैटर्न है वो कभी काम कर रहा है कभी फेल हो रहा है। अब हमको ये तो पता चल गया कि पैटर्न इतना कुछ अच्छा खासा नहीं है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे देखो आप, स्ट्रॉन्ग सेलर्स के बाद बायर्स की कैंडल है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, वो समझते हैं कि ये तो ब्रेकआउट है। नहीं, ये ब्रेकआउट तो है लेकिन ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे काम कर गई। देखो, लॉन्ग रेड के बाद बायर्स आ गए, मतलब कि ये आपकी ट्रेंड लाइन काम कर गई। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है, तो अभी भी क्या है, मार्केट में गैप है, तो ये गैप जरूर मार्केट फील करेगा ही करेगा। इसके लिए मैं नेक्स्ट कैंडल पे बायर्स के साथ चला गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी है। आप देख सकते हो ये चार्ट में जो नेक्स्ट कैंडल है वो बायर्स की ही है, और आप देख सकते हो ये लेवल है, तो ये गैप मार्केट फील करेगा ही करेगा। मार्केट ने ये लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन देखो, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की ग्रीन टू ग्रीन, पैटर्न मैंने देखा, यहाँ पे भी काम किया है रेड ग्रीन ग्रीन। लेकिन पर्सनली यहाँ पे हमने पैटर्न के साथ यहाँ पे देखा कि ये जो लेवल है ये ट्रेंड लाइन वाला, वो ऑलरेडी ये लॉन्ग रेड के बाद काम कर चुका है, तो यहाँ पे ये बायर्स के बाद वापस बायर्स ही आएंगे। तो आप देख सकते हो, ऐसे आप कैंडलस्टिक को प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरा वन ऑन वन कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल स्क्रीन पे है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग।